बाबा कहते चलते फिरते धंधा धोरी करते भी अंदर विचार चलता रहे। और बाबा ने हमें समझ दी है। आज बाबा ने बहुत अच्छी ये बात समझाई, सिर्फ विचार अंदर चलता रहे और समझ के आधार से विचार चले। तो क्या विचार चलाने होते हैं और इस बात से बाबा क्या कहना चाहते हैं, इस पर थोड़ा विचार करेंगे, है ना? तो क्या विचार बाबा इसमें क्या कह रहे हैं, अंदर विचार चलता रहे। पहली बात है, देखो जब भक्ति की बात आती है तो भक्ति में लोग कहते हैं चैंटिंग करो, है ना, या कुछ राम राम या कुछ बोलते रहो, माला फेरते रहो। तो उससे क्या होता है कि कहते हैं व्यर्थ विचारों से बचे रहेंगे, है ना। अगर अंदर शिव शिव या राम राम चल रहा है तो हम बाकी अन्य विचारों से बचे रहेंगे। लेकिन जब बाबा हमें कहते हैं कि विचार करते रहो, तो उसका अर्थ कोई सिर्फ शिव शिव या राम राम या अंदर माला फेरने जैसा नहीं है। आपको मैं आज एक थोड़ी एक चेन समझाती हूँ, जो कई बार कोर्स में भी समझाती हूँ। हर विचार जब बार बार एक ही लय में चलता है तो भावना बनाता है, थॉट्स क्रिएट फीलिंग्स। अगर हमारे विचार श्रेष्ठ और शुभ चलते हैं या बाबा के दिए ज्ञान के आधार से चलते हैं, तो उस आधार से हमारी वैसी भावना बनती है। आप देखो, ज़्यादातर हम जो विचार दुनिया के हिसाब से चलाते हैं वो परचिंतन वाले होते हैं, है ना। लेकिन बाबा के ज्ञान के आधार से हम जो विचार चलाते हैं वो स्वचिंतन और परमात्म चिंतन वाले होते हैं। हम देही अभिमानी और परमात्म अभिमानी बन के विचार चलाते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरे गुण क्या हैं, मेरा पिता कैसा है, मेरा घर कैसा है, मुझ आत्मा ने कैसे जन्म लिए हैं, ये सारे विचार हम अंदर चलाते हैं। जब हम परचिंतन करते हैं तो परिस्थिति को इनवाइट करते हैं, है ना। क्योंकि आप जितना जितना दूसरों का चिंतन करेंगे तो दूसरे आपके जीवन में प्रभाव डालने के लिए उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि आप उनको बल भर रहे हैं अपने जीवन में, अपने अपना जो वायुमंडल है उसमें उतना उनको स्पेस दे रहे हैं। और जितना जितना हम स्वचिंतन करते हैं तो उससे स्वस्थिति बनती है ना। जितना हमारा स्वचिंतन चलता है उससे हमारी स्वस्थिति बनती है, हमारी जो भावनाएं हैं वो बहुत श्रेष्ठ शक्तिशाली होती चली जाती हैं। सारा चक्कर विचारों का ही तो है ना। अभी देखो, एक बहन है, आज बाबा ने मूंझने की बात की है ना, तो कुछ दिन हुए थोड़ी मूंझी हुई है। तो ये मूंझते कैसे हैं, हाँ, विचार से शुरू होता है एक विचार, और वो एक विचार चलते 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 एक भावना बना देता है। उस भावना में कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी की कमी है, उस भावना में उमंग उत्साह खत्म हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं सब विचारों से ही उत्पन्न होती हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्व के प्रति, बाबा के प्रति, घर के प्रति, आने वाली दुनिया के प्रति जब हम कामकाज करते विचार चलाते रहते हैं तो हमारी भावनाएं शुभ श्रेष्ठ शक्तिशाली बनती हैं, हमारी स्वस्थिति
मजबूत होती जाती है और हमारी भावनाएं हमारी वृत्ति बनाती हैं। हमारी वृत्ति अपने भविष्य के प्रति, हमारी वृत्ति अपने शक्तियों के प्रति, अपने गुणों के प्रति, अपनी योग्यता के प्रति, हमारी वृत्ति अन्यों के प्रति या ड्रामा के प्रति, अपने भाग्य के प्रति, ये सारी वृत्तियाँ कैसे बनती हैं? ये विचार चलते रहते हैं, भावनाएं बनती रहती हैं और फिर वृत्ति भी बनती रहती है ना। आप किसी के बारे में कोई बात सुन लेते हैं, फिर उस पर विचार चलाते चलाते आपकी भावना खराब हो जाती है, आपकी वृत्ति भी उसके प्रति खराब हो जाती है ना। पहले वो बहुत अच्छे लगते थे, जैसे ही आप उनसे मिलते थे आपको बहुत प्यार आता था, स्नेह की भावना आती थी। अब उनके प्रति आपका एटीट्यूड बिगड़ गया है, अब आपको उनसे वो भासना नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि विचार चला चला कर आपने अपनी वृत्ति बिगाड़ दी है। तो ऐसे ही जब श्रेष्ठ विचार, शुभ विचार, ज्ञान सम्मत विचार चलते हैं तो वृत्ति भी श्रेष्ठ, शुभ, शक्तिशाली बनती चली जाती है। और फिर वृत्ति के आधार से कृति होती है। आपके जो कर्म हैं वो आपकी अपनी वृत्ति का फल होते हैं, है ना। और जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें रिस्पॉन्स मिलता है ना। अब एक छोटी सी बात है, मानो आपकी किसी के प्रति वृत्ति है कि इन्होंने आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोला है। अब वो जैसे ही सामने आते हैं आप थोड़े डिफेंसिव हो गए, है ना, कि ये तो मुझे ठीक नहीं समझते या इनके मन में तो मेरे लिए ये बात है। तो जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी बातों में, वाइब्रेशन में वो बात नज़र आ रही है, तो उनको भी लग रहा है आज ये मुझसे ऐसे उखड़े उखड़े क्यों बात कर रहे हैं, तो उनका भी रिस्पॉन्स उसी प्रकार का आ रहा है। फिर आप जाकर दूसरे को कह रहे, देखा मैंने कहा था ना इनके मन में ज़रूर कुछ चल रहा है, देखा नहीं कैसे बात कर रहे थे। लेकिन वास्तव में वो आपकी अपने संकल्प, आपकी अपनी वृत्ति, आपके अपने बोल, अपनी वाइब्रेशन है जो उसको इनवाइट कर रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं इसी प्रकार से जब हम स्वचिंतन करते हैं, बाबा का चिंतन करते हैं, तो हमारी वृत्ति शुभ होती है, हमारे कर्म भी संकल्प, बोल, कर्म हर एक के प्रति श्रेष्ठ और शक्तिशाली होते चले जाते हैं। और फिर रिस्पॉन्स तो आता ही है उस हिसाब से, वो एक बात। दूसरा, जो कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाते हैं। तो वो जो वृत्ति है और वो जो कर्म है, वो कर्म हम बार बार करते हैं क्योंकि हमारे विचार जैसे चलेंगे हम हमेशा वो वाले कर्म करने के लायक होंगे। जैसे आज पापा ने हमें वरदान में कहा कि तुम्हारे कर्म सदा विशेष होने चाहिए, तुम्हारा हर बोल, हर संकल्प, हर कर्म विशेष होना चाहिए। तो कैसे बनेगा? जब आप सदा अपनी श्रेष्ठता, दिव्यता पर विचार चला रहे हैं तभी आपके कर्म ऐसे बनेंगे। तो जैसा चिंतन चलेगा वैसे कर्म होंगे। अगर दूसरे के प्रति चिंतन चला रहे हैं तो नेचुरल है हमारे कर्म को उनके प्रति जो हम चिंतन कर रहे हैं वो प्रभावित करेंगे। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि अपने कर्मों के भी हम खुद लेखक बने, और फिर दूसरा जो कर्म हम बार बार करेंगे वो मेरा संस्कार बनेगा। और फिर जैसे हमारे संस्कार होंगे उस प्रकार की हम आसपास आत्माओं के साथ जुड़ेंगे, है ना, क्योंकि अपने संस्कारों के आधार से आपकी सृष्टि बनती है, है कि नहीं। दुनिया में कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम ब्रीड फ्लॉक टुगेदर, जो एक टाइप के होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, है ना। अगर आप श्रेष्ठ बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, तो आप पवित्र आत्माओं के संगठन को अट्रैक्ट भी करते हैं, आपके संबंध में भी वैसी ही आत्माएं आती रहती हैं, है ना। मुझे कई बार कहते हैं, जो भी देखने वाला होता है कहता है जैसे आप हैं वैसे आपके क्लास के सारे बच्चे हैं, है ना। तो मैं कहती हूँ हाँ वैसे ही होंगे ना, जैसे हम हैं
हम वैसों को ही अट्रैक्ट करते हैं, है ना। जैसे हम होते हैं हम वैसों को ही अट्रैक्ट करते हैं, वही हमारे जीवन में आते हैं, वही हमारे साथ जुड़ते हैं। ये एक सनातन सत्य है। अगर आप हर हर समय गलत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो देर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ यू। तो हमारे संबंध अगर हमेशा ऐसे ऐसों से बन रहे हैं जिनके संस्कार ठीक नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों को चेक और चेंज करने की ज़रूरत है। तो संकल्प, भावना, वृत्ति, कृति, संस्कार, संबंध और फिर भाग्य। भाग्य तो इसी से बनता है ना। एक कर्म जो आप इंडिविजुअली करते हैं अपने संस्कार के आधार से, और दूसरा जो आप अन्य संबंधों के बीच में जो कर्म करते हैं, कलेक्टिव कर्म, वो दोनों मिलके आपका भाग्य बनाते हैं। तो जिस संगठन को आपने क्रिएट किया है और जो संस्कार आपने बनाए हैं, वो आपके कर्मों का आधार है और वही आपके भाग्य का आधार है। तो बाबा आज हमें एक बहुत सुंदर कड़ी दे रहे हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है वर्षा पाने के लिए, भाग्य बदलने के लिए। तुम्हें कोई गीत, कविता, कुछ भी नहीं करना है, कोई डायलॉग नहीं, कोई मेहनत नहीं। अंदर अंदर सिर्फ अपनी जो विचारों की मशीनरी है उसको ज्ञान सम्मत बनाते चले जाओ। विचार सागर मंथन करते हैं, हाँ, इतना विचार चलता है, ज्ञान के संकल्प चलते हैं, या अभी भी वो परचिंतन वाले संकल्प ज़्यादा चलते हैं, है ना। क्योंकि जो बात इन विचारों के लिए सत्य है वो दूसरे वाले विचारों के लिए भी सत्य है। क्योंकि अगर हम ये विचार चला रहे हैं तो जिस प्रकार से भाग्य बन रहा है, ऐसे ही वो विचार भी चलाएंगे तो उसके अनुसार भी वो भाग्य बनेगा। इसलिए आज बाबा हमें कहते हैं सिर्फ अपने विचारों पर अटेंशन दो, अपने विचारों को ज्ञान सम्मत बनाओ, अंदर चलाओ। और ये सारी बात समझ की है ना। क्योंकि जो भी बाबा हमें ज्ञान सुना रहे हैं, आत्मा का, बाबा का, ड्रामा का, आने वाली दुनिया का, ये बातें दिखाई नहीं देती। तो समझ के आधार से हमें विचार चलाने हैं, और जैसा विचार चलाएंगे वैसा भाग्य बनता चला जाएगा। तो ये एक बात बाबा हमें आज समझाते हैं। दूसरी बात आज बाबा हमें कहते हैं कि बाबा हमें सुख देते हैं, बाबा सुख करता है और रावण दुख करता है, है ना। तो अगर ये क्लास में कई बार कराती हूँ और हर बार इसमें इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि रावण को समझना सबसे बड़ा चैलेंज है ना। क्योंकि हम जान नहीं पाते, हम हमेशा रावण में फंस जाते हैं। तो आप देखो कि आत्मा के सात गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। और रावण कहीं ना कहीं हमें ये मत देता है कि ये सब कुछ तुम्हें ढूंढने हैं बाहर से और दूसरों से मिलेंगे, है ना। रावण हमें क्या कहता है, तुम्हें शक्ति चाहिए तो शक्ति माना तुम दुनिया में सबको कंट्रोल करो, ठीक है ना। तुम जितना दूसरों को कंट्रोल कर पा रहे हो उतने तुम शक्तिशाली हो। तो रावण मत के अकॉर्डिंगली शक्तिशाली आत्मा कौन है, जो जितनों को कंट्रोल कर पा रही है उतनी शक्तिशाली आत्मा है। और शिव बाबा हमें बताते हैं कि शक्ति का संबंध इस बात से बिल्कुल भी नहीं है कि तुम दूसरे को कितना कंट्रोल कर रहे हो। शक्ति का संबंध इस बात से है कि तुम हर व्यवहार, हर परिस्थिति के बीच स्वयं कितने एकरस रह पा रहे हो, है ना। तो आप देखो कि रावण ने हर चीज़, हर हमारा जो गुण है उसको दूसरे पर आधारित कर दिया, और रावण ने हमें मोहताज बना दिया। रावण ने हमें बताया कि अगर चार लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम पावरफुल नहीं हो, तुम्हारी अथॉरिटी नहीं है, है ना। लेकिन बाबा हमें बताते हैं अगर चार लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम हलचल में आते हो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है।
तुम उससे डील करो। लेकिन ये जो सारा उल्टा ज्ञान हमें रावण देते चले जाता है, इसी कारण से इतना दुख है जीवन में। इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उस शक्ति के अनुभव के लिए, जो एक्चुअली जिसमें किसी और का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। वो शक्ति हमारी अपनी चीज़ है। बाबा हमें कहते हैं ना, ये शांति, ये खुशी, ये शक्ति, ये ज्ञान की अवस्था, ये प्योरिटी, ये सब तुम्हारी अपनी चीज़ है, लेकिन हमने इसको दूसरों को दे दिया रावण मत पर। तो रावण मत हमें कहते हैं कि शक्ति के लिए तुम दूसरों की भीख मांगो कि तुम मेरे कंट्रोल में रहो तो मैं पावरफुल फील करूँगा। शांति के लिए हम कहते हैं दूसरों को शांत, जब सब शांत रहेंगे, वायुमंडल शांत होगा, तो हम शांति का अनुभव करेंगे, है ना। लेकिन आप देखो कि शांति कैसी चीज़ है, कि अगर आप एक क्लास में बैठे हैं, संगठित योग हो रहा है और म्यूज़िक बज रहा है, तो आपको बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। लेकिन वही रिंगटोन बज रहा है तो आपको शांति का अनुभव नहीं हो रहा है ना। फ़ोन का जो रिंगटोन है वो भी तो क्या है, एक म्यूज़िक ही तो है। लेकिन हम उस म्यूज़िक को अपने आप को डिस्टर्ब करने देते हैं, और वो जो दूसरा म्यूज़िक है, हम कहते हैं ये हमारी शांति को सपोर्ट कर रहा है। तो वास्तव में शांति को कोई शब्द या कोई आवाज़ खंडित नहीं करता, शांति को हमारा बिलीफ सिस्टम खंडित करता है ना। वरना म्यूज़िक के साथ हमें शांति का अनुभव क्यों होता है और मोबाइल के रिंगटोन के साथ क्यों नहीं होता। तो बाबा हमें कहते हैं शांति तो एक संकल्प की दूरी पर है, तुम आत्मा जब चाहो अपनी शांति में स्थित हो सकते हो। बाबा हमें बताते हैं कि खुशी, खुशी लेने से, मांगने से, इकट्ठा करने से, जमा करने से नहीं मिलती। खुशी मिलती है दूसरों को सुख देने से, श्रेष्ठ कर्म करने से। लेकिन रावण ने क्या बताया कि खुशी के लिए तुम्हें वेट करना है। खुशी तुम्हें तब मिलेगी जब सब मिलके तुम्हें खुश करेंगे, है ना। जब तुम्हारे पास बहुत कुछ इकट्ठा होगा, जमा होगा। तो आप देखो, हर गुण के लिए रावण ने हमें एक ऐसी मत दे दी है जिस मत के चक्कर में हम उस गुण के मोहताज होकर घूम रहे हैं। आप देखो, बाबा हमें कहते हैं कि पवित्र रहना तुम्हारा बर्थ राइट है। पवित्र रहना तुम्हारा बर्थ राइट है। शुद्ध खाना, तन मन धन की पवित्रता, ब्रह्मचर्य जीवन, शुद्ध भोजन, तन मन धन की पवित्रता, ये तुम्हारा बर्थ राइट है। लेकिन रावण ने हमें क्या कहा कि नहीं, ये जो तुम्हारा तन मन धन है उस पर पतितों का अधिकार है, और तुम्हें पवित्रता का कोई बर्थ राइट नहीं है, है ना। रावण क्या कहता है, गृहस्थ जीवन में पवित्रता आप नहीं मान सकते, ये पाप है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरे को वंचित रख रहे हैं, है? देश का लॉ भी कहेगा कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि सब रावण मत पर हैं। तो रावण मत आपको कहती है कि अपने तन मन धन को पवित्र रखने के लिए आपको 100 लोगों की परमिशन चाहिए, है ना। और घर में भोजन के लिए भी आप सोचो कि अगर 9 दिन नवरात्रे हैं तो आप भोजन शुद्ध कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचें 365 दिन भोजन शुद्ध कर लें, तो वहाँ पर विरोध होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम समझते हैं मुहूर्त से तो पवित्रता ठीक है, लेकिन रोज़ की पवित्रता धारण करें, हम ऐसे लायक नहीं बने हैं। तो बाबा हमें कहते हैं रावण मत, तुम्हारे अपने तन मन धन की पवित्रता पर तुम्हें अधिकार नहीं देते। रावण मत तुम्हें कन्विंस कर देती है कहीं ना कहीं कि पवित्र बनना माना आप दूसरे का राइट छीन रहे हैं, है ना। और इसी कारण हम पवित्रता से इतना स्ट्रगल करते हैं, और फिर पवित्रता से भी स्ट्रगल करते हैं, और अपवित्रता के संस्कार से भी। क्योंकि ये जो रावण मत में पढ़कर हमने जो पतित दुनिया में पतित संस्कार बनाए, उनसे भी हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ये सारी रावण मत के फेरे में पढ़कर हमने अपने गुणों को खो दिया है। स्नेह है, स्नेह के लिए रावण मत कहती है आप बैठे रहो, दूसरा आके आपको प्यार देगा, है ना। आपको, आप बैठे रहो, आपको दूसरा आकर प्यार देगा तो आपको लव्ड फील होगा,
है ना, और उसमें भी आप चेक करना कि उसका प्यार रियल है अनरियल है कैसा है, और उस आधार से आप उस प्यार को रिसीव करना, है ना। आजकल क्या है, कोई अगर हमें प्यार दे भी रहा है तो हम कहते हैं, वैसे तो वो प्यार से बात करते हैं लेकिन हो सकता है उसके पीछे स्वार्थ हो, है ना। तो हम उस प्यार को रिसीव करने की भी हालत में नहीं है, क्योंकि रावण मत हमें हर चीज़ क्वेश्चन करना सिखाती है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं, प्यार की लेन देन, आप दूसरे के प्रति स्नेही स्वरूप संकल्प रखें, बोल बोलें, कर्म करें, उसके लिए आपको कोई चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना। चाहे कोई बुरा है अच्छा है जैसा भी है, उसके कैसे भी संस्कार हैं, आप जितना स्नेह स्वरूप रहकर उनके साथ स्नेह के कर्म करेंगे, सोच बोल और कर्म में स्नेह स्वरूप रहेंगे, उतना आपको स्नेह का अनुभव होगा। आपके अंदर जो स्नेह की रगें हैं वो जैसे बिल्कुल हरी भरी रहेंगी और आपको स्नेह स्वरूप का अनुभव होता रहेगा। तो बाबा हमें ये सारी बातें कहते हैं। तो जब हम बाबा की याद में रहते हैं और बाबा की मत पर चलते हैं, तो बाबा कहते हैं, तुम ये जो रावण राज्य से मुक्त, दुख धाम से मुक्त, सुख धाम की तरफ जाते हो। और बाबा हमें कहते हैं कि ये भी बना बनाया खेल है, क्योंकि ऐसा नहीं कि जैसे 12 घंटे दिन 12 घंटे रात होते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि आपको आज अर्ली रात चाहिए तो आज अर्ली कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। जैसा उसका साइकिल है वैसा ही चलेगा। ऐसे ही 2500 वर्ष रावण मत चलनी है तो चलनी ही है, आत्माओं को उसमें पतित दुखी होना है तो होना ही है। और अब जब बाबा आते हैं तभी ये चॉइस मिलती है कि अब हम बाबा की सुने, बाबा के दिए हुए सत्य ज्ञान के आधार से अपने कर्मों को, अपनी मान्यताओं को परिवर्तन करें, बाबा के दिए विचारों पर विचार चलाएं और अपने संस्कारों को और कर्मों को बदलें। तो बाबा ये भी हमें बताते हैं कि बने बनाए ड्रामा के राज को भी समझो, कि जब संगम युग आता है तभी बाबा आते हैं, तभी बाबा हमें दुख धाम से सुख धाम जाने की विधि बताते हैं, और अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। जैसे आजकल दुनिया में कहते हैं विटामिन डी सिर्फ सुबह सुबह मिलती है ना, सुबह सुबह मिलेगी नहीं तो नहीं मिलेगी, है ना। भले सूरज चमकेगा लेकिन नहीं मिलेगी, भले ही आप 9 बजे जाएंगे उठ के वॉक करने तो आपको विटामिन डी नहीं मिलेगी। ऐसे बाबा कहते हैं ये भी यही समय है संगम युग का, जब तुम अपनी भाग्य को बदल सकते हो, दुख धाम से सुख धाम जाने की अपनी सृष्टि बना सकते हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो बाबा कहते हैं इस ड्रामा के राज को भी समझ कर कर्तव्य करना है, इस समय को जानकर, इसके महत्व को जानकर अपना भाग्य बनाना है। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं ये कभी मत भूलना, जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, हम क्रोधी बनेंगे विकारी बनेंगे तो हमें देखकर भी वैसे ही बनेंगे। अब सबसे बड़ी बात है, स्वयं को क्रोधी बनना अच्छा लगता है, लेकिन वही जो क्रोधी है उसको क्रोधी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, है ना। जो क्रोधी है वो दूसरे क्रोधी के साथ रहना पसंद नहीं करता, है ना। खुद अहम में रहे अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा भी अहम में रहे तो हमें उसके साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं लेकिन जिनके साथ तुम रह रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर विकार हैं तो वो भी एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा ही कुछ समय में बन जाएगा, है ना। मेरे पास एक बहन आती थी तो मुझे कहती थी कि मेरे पिताजी और मैं बचपन से बहुत क्लोज रहे, मेरे पिताजी मुझे बहुत, दो बच्चे हैं लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, और मेरे पिताजी में बहुत गुस्सा है। तो धीरे धीरे, क्योंकि जिसके संग में रहेंगे वैसे ही बनेंगे, तो मैं भी बहुत गुस्से वाली बनती चली गई। और अब जब प्यार पिताजी से है, गुस्सा लिया भी पिताजी से है, तो दिखाएंगे भी किसको, पिताजी को ही दिखाया, है ना। जब
गुस्से वाले पिताजी की गुस्से वाली बेटी बनी तो गुस्सा भी पिताजी को ही दिखाया, और जब पिताजी को गुस्सा दिखाया तो उनको अच्छा नहीं लगा। और फिर वो एक दिन पिताजी ने कहा, तुम जैसी बनती जा रही हो मुझे तुमसे नफरत हो गई है। तो बेटी कहती, मैं आप ही के जैसी तो बन रही हूँ, आपको अपने आप से तो नफरत हुई नहीं मेरे में और आप में क्या फर्क है। तो जब ऐसा कह दिया तो उस दिन से रिश्ता खत्म हो गया, उस दिन से पिताजी बेटी बात नहीं करते हैं। तो ये बात लेकर वो सेंटर पर आई थी। तो आप देखो कि हम खुद जैसे होते हैं, हमारे कर्मों के आधार से, वाइब्रेशन के आधार से आसपास वाले भी वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन हमें ये तो अच्छा लगता है कि हम क्रोधी बने, दूसरे हमें सहें, लेकिन जब वो हमारे ही जैसे बन जाते हैं तो हम उन्हें सहना नहीं चाहते, है ना। अहंकार वाला हमेशा ये सिखाता है, जैसे आप देखो कई बार मनुष्य को धन का अहंकार होता है, और फिर उस धन के अहंकार को वो अपने घर में, परिवार में, सबको दिखाता है। लेकिन वही फैमिली मेंबर्स जब धनवान बन जाते हैं और वही अहंकार उनको वापस दिखाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, है ना। वो कहते हैं, हमारे टाइम पे हमने इतना कमाया, इतना किया, और आज ये हमें ताव दिखा रहे हैं। लेकिन वो ताव भी दिखाया आपने और सिखाया आपने, तो जो आप सिखाएंगे वो सीखेंगे और वो आप ही को दिखाएंगे इवन काम विकार भी ऐसा ही है। जब हम खुद कामी बनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे जब कामी बनते हैं, बच्चे जब कोई मर्यादा नहीं रखते, तो हमें फिर अच्छा नहीं लगता। तो बाबा हमें कहते हैं, जैसे तुम बनना चाहते हो, जैसे तुम चाहते हो दूसरे बने, वैसे खुद बनकर रहो। क्योंकि जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। मैंने ये कई बार नोटिस किया है जीवन में कि जब हम कोई कर्म करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी परिस्थिति, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो दूसरे से अलग है ना। वो अलग है, हम अलग हैं, वो बच्चे हैं, हम माता पिता हैं, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन शायद बच्चे समझ रहे हैं कि ये माता पिता है तो इनको अलाउड है, हमें अलाउड नहीं है। लेकिन ये आप सोच रहे हैं, बच्चे नहीं सोच रहे हैं ऐसा। मनुष्य जब तुलना करता है तो वो ये नहीं समझता आपकी परिस्थितियाँ अलग हैं, उसकी परिस्थितियाँ अलग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। जो भी वो देखता है वो सीखता है। आपके मन में अपने कर्मों के प्रति जो भी कारण है कि हम इस कारण से कर रहे हैं, वो कारण आपके लिए एग्जिस्ट करता है, उसके लिए नहीं करता। समझ रहे हैं इस बात को, है ना। आप सोच रहे हैं कि मैं बीमार हूँ तो मैं एक दिन अमृत वेला मिस कर सकता हूँ, लेकिन उसको नहीं लग रहा है कि आप बीमार हैं, आपको अलाउड है। उसको लगता है ये मिस कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, है ना। वो आपके कारण को कारण नहीं समझते। तो हम जिन कारणों से समझते हैं ना, हमें अलाउड है विकारी बनना, वो कारण सिर्फ हमारे लिए एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए नहीं करते। मैं आपको एक बहुत छोटी सी इसमें फनी अनुभव बताती हूँ। एक बार ना एक छोटी कन्या सेंटर आती थी, बड़े सेंटर पर दीदी के पास, है ना। तो बड़ी दीदी उस कन्या को कहती है कि हमें सेवा करनी चाहिए, हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, बाबा के घर में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो कन्या क्या कहती है, मैं तो जब से आती हूँ आप बैठे ही रहते हो, मैंने तो कभी आपको कुछ करते हुए देखा नहीं तो अब वो जो दीदी है वो 80 वर्ष की कन्या है 13-14 वर्ष की, लेकिन उसने फट से कह दिया। तो मेरे सामने सामने की बात है, दीदी फटाफट उठी और वहाँ जो भी ग्लास कप रखे थे उन्होंने उठाया और वो किचन में ले गई, है ना। और कहती है, सही बात है, जब से ये आने लगी इसने तो कुछ देखा नहीं, अब हमने जब किया ये तो थी नहीं, तो इनको देखने के लिए तो कुछ मिला नहीं, तो अब हम इनको कहें कि आप कुछ किया करो तो ये तो हम ऐसे ही कहेंगे
तो आप सोचो कि ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना, कि आपको लग रहा है कि आपके पास कारण है, देखने वाले को नहीं लग रहा। एक 13 वर्ष के, 14 वर्ष के व्यक्ति को नहीं पता चल रहा कि आप 80 वर्ष में आपको स्थूल सेवा नहीं करना अलाउड है। मैं आपको बताऊँ, 30 वर्ष वालों को भी नहीं पता चलता। ये तो हम सोचते हैं ना, ये छोटे हैं, लेकिन जब व्यक्ति देह अभिमान में होता है ना, उसको नहीं पता चलता कि मैं जिससे कंपेयर कर रहा हूँ वो 80 वर्ष का है। वो सोचता है ये भी क्या कर रहे हैं, हम भी जो कर रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं, और ये जैसे बैठे हुए हैं हम भी ऐसे बैठे रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, जो भी कर्म तुम दूसरे को सिखाना चाहते हो वो तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी आयु में भी हर कर्म कर कर दिखाते थे। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता कब हुई? 60 वर्ष की आयु में। 60 वर्ष की आयु में लोग रिटायरमेंट लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ की स्थापना की, शुरुआत से लेकर पूरी बढ़ाया, वृद्धि की यज्ञ की 60 वर्ष से लेकर। और बाबा ने हर कर्म करके दिखाया। अगर कोई खुदाई का भी काम होता था ना, तो ब्रह्मा बाबा पहले वो खोदने के लिए औजार लेके खड़े होते थे, तब जाकर दूसरे उनके सहयोगी बनते थे। तो बाबा कहते हैं, कभी नहीं सोचना कि आपके अंदर जो कारण चलते हैं और आपको जो लगता है कि जिन कारणों से आप काम ना करें तो चलेगा, वो कारण दूसरे के लिए एग्जिस्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा सत्य है कि जो कर्म आप करेंगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो सामने वाला आपको कॉपी करेगा, है ना। और इसीलिए आप देखो कि प्रकाशमणि दादी जी को एक बार पूछा गया था कि आप भोजन को दृष्टि देकर क्यों खाती हैं, है ना। भोजन को जब हम स्वीकार करते हैं तो थोड़ा दृष्टि देकर कुछ सेकंड की फिर स्वीकार करते हैं। तो दादी को पूछा कि आप दृष्टि देकर क्यों स्वीकार करती हैं, आप तो इतने वर्षों से योग कर रही हैं, आपका तो रोम रोम वैसे ही पवित्र है, तो भोजन भी अंदर जाएगा तो पवित्र हो ही जाएगा। तो दादी ने कहा, हाँ हो सकता है आप जो बात कह रहे हो वो राइट है, लेकिन ये बात सामने देखने वाले को नहीं पता कि दादी ने 50 वर्ष तपस्या की है, तो बिना दृष्टि दिए भी भोजन जाएगी तो पवित्र हो जाएगा। उसको सिर्फ ये पता है, दादी बिना दृष्टि दिए खा सकती तो हम भी खा सकते हैं, है ना। तो जैसे ही मैं ये शुरू करूँगी तो सब भी बिना दृष्टि दिए भोजन खाना शुरू कर देंगे। तो जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। मैं आपको एक मधुबन की बात बताती हूँ, मेरा आँखों देखा इंसिडेंट। एक बार क्या हुआ कि एक भाई था, कमरे में बीमार था, उसको कुछ तकलीफ़ हो गई थी। तो एक दूसरे भाई को बोला कि आप थाली में भोजन ले जाओ, है ना, भंडारे से थाली में डाल के ढक के उसके लिए रूम में भोजन ले जाओ। तो जब वो थाली में ढक के भोजन ले जाने लगा, तो मैंने देखा 3-4 और लोग भी उसके पीछे पीछे अपने कमरे में ले जाके भोजन करने के लिए ले जाने लगे। तो मैंने उनको पूछा, ये आप कमरे में क्यों लेके जा रहे हैं, ये तो यहीं भंडारे में खाना है ना। तो कहते, नहीं वो लेके जा रहे थे, हमें लगा कमरे में भी अलाउड है ना। तो उनको नहीं पता कि ये कमरे में क्यों लेके जा रहा है, कौन बीमार है, कौन कैसा है। इसीलिए आप देखो कि ये अवेयरनेस स्वयं को ही रखनी पड़ती है, कि जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो सामने देख रहे हैं लोग, और जो देख रहे हैं वो उसका क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो आपको नहीं पता, है ना। वो देखो, व्यक्ति सोच रहा है कि मैं तो बीमार के लिए भोजन ले जा रहा हूँ, लेकिन देखने वाले को नहीं पता कि कमरे में कोई बीमार बैठा है। उसको ये पता है कि भोजन कमरे में ले जाके खाया जाता है, ये यहाँ का नियम है, हम भी खा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। इसीलिए कभी ये नहीं सोचो कि अंदर अंदर आपने गुप्त रीति से सोच लिया, मेरे पास ये कारण है, ये जस्टिफिकेशन है, तो हम कर सकते हैं और हमें देखने वाला कॉपी नहीं करेगा। वो करो जो ठीक है, और वो करो जो ठीक सिग्नल दे दूसरे को, है ना। हम ये नहीं कह सकते
कि हमने जो किया हमारे पास कारण थे, उसने जो सीखा वो उसकी प्रॉब्लम है। नहीं, आप कर्म करते शिक्षा भी दे रहे हैं और जो शिक्षा आप दे रहे हैं उसका भी आपको अटेंशन देना पड़ेगा कि मेरे इस कर्म से कौन सी शिक्षा, कौन सा मैसेज जा रहा है। ओके, ओम शांति।